as a mark of respect to the Pulwama martyrs, we have assumed full responsibility for the education of their children and the livelihood of their families. Responding to our Honorable Prime Minister's appeal, we stand committed to support the people of Jammu and Kashmir and Ladakh in all their developmental needs. And Reliance, will create a special task force, and you will see a lot of announcements on Jammu, Kashmir and Ladakh and our developmental initiatives in the coming months. कश्मीर से बड़ी खबर है, आज बकरीद है और तमाम जगहों पर शांति प्रिय तरीके से वहाँ ईद मनाई जा रही है। आपको बता दें कि सरकार ने बताया है कि ईद प्रेयर कहाँ कहाँ लोकल मॉस्क में, अनंतनाग में, बारापुला में, बड़गाम में, बांदीपुरा में, विदाउट एनी कोई इंसिडेंट जामा मस्जिद, ओल्ड टाउन बारामूला में 10,000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर नमाज अदा की है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरह से शांति प्रिय है, कहीं पर ज़्यादा कोई न तो कोई झड़प की खबरें आ रही है, लेकिन कांग्रेस वाले इस पर राजनीति करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस वाले चाहते हैं कि कश्मीर में अशांति हो। किस तरह की खबरें आ रही हैं और किस खबरों पर यकीन कर रहे हैं ये आपको बताते हैं। पहले तो न्यूयॉर्क टाइम्स पर ये यकीन करते हैं कि वही न्यूयॉर्क टाइम्स जिसने इसरो का मजाक बनाया था, एक अजीब कार्टून बनाया था जिसमें भारत के वैज्ञानिकों का मजाक बनाते हुए इसने कार्टून छापा था, लेकिन बाद में इसने वो कार्टून हटा दिया था। कांग्रेस ऐसे विदेशी मीडिया पर यकीन करता है या तो वो BBC पर यकीन करता है। और सबसे भद्दा बयान दिया है पी चिदंबरम ने ऐसा बयान दिया है कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये कैसी पार्टी है कि इस तरीके से। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पर अब धारा 370 हटने के बाद कांग्रेस अपने पुराने कलर में आ गई है और उसने हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। पी चिदंबरम कहते हैं कि मुस्लिमों की ज़्यादा तादाद है इसलिए धारा 370 हटाई गई है। आप देख सकते हैं कि धारा 370 हटाने के पीछे अब पी चिदंबरम को मुस्लिम नज़र आने लग गए, क्योंकि इनको जब 1990 के दौर में जब कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया तो तब यहाँ पर इनको वहाँ पर इस तरीके की कोई बात नज़र नहीं आई। आज इनको मुस्लिम नज़र आ रहे हैं और धारा 370 नज़र आ रही है। आपको बता दें कि पी चिदंबरम ने कहा है, यदि जम्मू कश्मीर हिंदू बहुल राज्य होता तो भगवा पार्टी इस राज्य का विशेष दर्जा नहीं छीनती। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपनी ताकत से अनुच्छेद को समाप्त किया और आगे उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अस्थिर, अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियां इस अशांति स्थिर को कवर कर रही हैं लेकिन भारतीय एजेंसियां नहीं कर रही हैं। पी चिदंबरम कहते हैं कि भाजपा का दावा है कि कश्मीर में हालात ठीक है, अगर भारतीय मीडिया के घराने जम्मू कश्मीर की स्थिति को कवर नहीं करते हैं तो क्या मतलब स्थिरता होती है। उन्होंने 7 राज्यों में सत्तारूढ़ क्षेत्रीय दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने राज्यसभा में भाजपा के कदम के खिलाफ भय के कारण सहयोग नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, जो गृह मंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, तमाम घोटालों के आरोप हैं, लेकिन अब वो खुले तौर पर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसके बाद दिग्विजय सिंह आते हैं। दिग्विजय भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं और दिग्विजय ने ऐसी बात कही है कि घाटी की हालत को लेकर उन्होंने, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जल्दबाजी दिखाने में हम कश्मीर हार जाएंगे। तो दिग्विजय सिंह कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश, वो कहते हैं कि हमारी प्राथमिकता कश्मीर को बचाना है। उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल से
इस मामले पर सावधान रहने की अपील करता हूं। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की जल्दबाजी दिखाने से हम कश्मीर हार जाएंगे। ये दिग्विजय सिंह इतने सालों में तब कहाँ थे जब वहाँ पर पत्थरबाजी होती थी, अलगाववादी खुलेआम घूमते थे, कांग्रेसी नेता उनको बिरयानी खिलाते थे और वहाँ पर भारत का झंडा फूंका जाता था, तमाम भारत विरोधी गतिविधियाँ वहाँ पर होती थी, लेकिन तब कश्मीर में ये जीत रहे थे। आज पत्थरबाज गायब हैं, भारत के झंडे का सम्मान होगा, अब कोई भारत का झंडा वहाँ पर जला नहीं पाएगा क्योंकि उस पर भारत के कानून के तहत वहाँ पर एक्शन होगा और अब इनको वहाँ पर हार दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस के नेता किस तरीके से दो संविधान और 370 के पक्षधर रहे, अब उनकी बात खुलकर सामने आ रही है और दिग्विजय सिंह उस बात को भी टारगेट करते हैं कि किस तरीके से, आपने देखा होगा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धारा 370 को लागू करने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपराधी बताया और बताया कि किस तरीके से पीओके हमारे कब्जे में थे लेकिन उन्होंने वापस बुला लिया और इस मामले को यूएन में ले गए। तो इस तरीके से उन्होंने नेहरू को अपराधी बताया था, लेकिन अब किस तरीके से दिग्विजय सिंह उनको बोल रहे हैं कि वो नेहरू की पैरों की धूल बराबर नहीं है। तो दिग्विजय सिंह अपने आप को पता नहीं क्या मानते हैं, नेहरू को इतना महिमा मंडित करने वाले कांग्रेसी भूल गए हैं कि ये नेहरू की ही देन है कश्मीर समस्या। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से दूसरी बड़ी खबर है कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला किस तरीके से, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, किस तरीके से अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार ने वहां पर कश्मीर को लूटा है। अब जब इनकी दुकान बंद हो गई है, तो जब ये हिरासत में लिए गए थे तो अब ये आपस में ही लड़ने लग गए हैं। इनको पिछले हफ्ते धारा 370 हटाए जाने के बाद हरि निवास महल में हिरासत में रखा गया था। अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान दोनों के विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि उन्हें अलग रहना पड़ा। दरअसल दोनों एक दूसरे पर राज्य के में भारतीय जनता पार्टी को लाने का आरोप मढ़ रहे हैं। किस तरीके से ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, अब इनकी जो राजनीति है वो राजनीतिक दुकान बंद कर दी है, इस वजह से इनको बहुत बड़ा झटका लग चुका है। उन पर और उनके दिवंगत पिता मोहम्मद सईद पर बीजेपी से 2015 और 18 के गठबंधन करने के लिए ताना जड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच जमकर कहासुनी हुई और वहां मौजूद स्टाफ ने भी सुना। महबूबा ने उमर को याद दिलाया कि फारूक अब्दुल्ला का गठबंधन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एनडीए में था। एक अधिकारी ने बताया, उन्होंने जोर से उमर से कहा, आप भी तो वाजपेयी सरकार में विदेश मामलों के जूनियर मिनिस्टर थे। तो किस तरीके से ये अब आपस में ही लड़ने लग गए हैं और एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। तो किस तरीके से आज बकरीद पर कश्मीर में शांति भी पूरी व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन कुछ हमारे राजनीतिक पार्टियां वहां पर अशांति फैलाने का, वहां पर किस तरीके से वो चाहते हैं कि वहां पर शांति न रहे और पाकिस्तान की तरह ही वो वहां पर उपद्रव फैलाना चाहते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान से भी बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने लद्दाख के करीब अपने एयरबेस पर लड़ाकू विमानों की तैनाती करने का फैसला किया है और भारत की सरकार और भारत की सुरक्षा एजेंसियां, सेना इस पर मॉनिटर कर रही है और उनकी लगातार गतिविधियों पर नज़र बनाई हुई है। तो आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से तमाम देशों के प्रमुखों को कॉल करके, लेकिन उनको कोई सहयोग नहीं दे रहा है, उनको निराशा मिल रही है। तो वहाँ पर पाकिस्तान कुछ बचकानी हरकत कर सकता है जिसके एवज में उसको पीओ को भी गंवाना पड़ सकता है, बलूचिस्तान को आज़ादी मिल सकती है। तो जो अपने पाक अपने फाइटर जेट डिप्लॉय कर रहा है लद्दाख के पास, तो लगता है कि पाकिस्तान के उल्टी गिनती शुरू हो रही है और खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान धारा 370 ख़त्म किए जाने के बाद बौखला चुका है और अगर वो इस तरीके की कोई भी बचकाना हरकत करता है तो उस शायद उसकी इतिहास में सबसे बड़ी भूल होगी और पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और पाकिस्तान को यही सलाह है, इमरान खान को यही सलाह है
कि जितना शांतिपूर्ण तरीके से रहें, कश्मीर के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, किसी तरह की युद्ध और उस तरीके की अशांति फैलाने की कोशिश में जनता का ही नुकसान है और सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का ही होगा, क्योंकि आपकी इकोनॉमी वैसे ही बर्बाद हो चुकी है। अगर इस तरीके का कार्य करोगे तो तुम्हें सदियों तक इस भूल का पछतावा होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।